This is Business Plus and you're watching The Market Show. I'm your host Tarique Khan Javed. आज हम बात करेंगे टैक्स इवेजन इन पाकिस्तान और इस सिलसिले में बात करने के लिए हमने एक लीडिंग एक्सपर्ट अशफाक तोला साहब को दावत दी है अपने स्टूडियो में. अशफाक तोला साहब एक लीडिंग टैक्स एक्सपर्ट हैं और साथ साथ मेंबर हैं टैक्स रिफॉर्म ग्रुप के, जो गवर्नमेंट को एडवाइस करती है कि टैक्स की सिचुएशन को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है. नाज़रीन, ये टॉपिक आज जो हमने जो उठाया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. मेरी नज़र में इस वक्त पाकिस्तान का नंबर वन टॉपिक यही है. तमाम एक्सपर्ट्स और तमाम हमारे पॉलिटिशियंस और तमाम एक्टिविस्ट को चाहिए कि इस इशू पे फोकस करें कि ये मुल्क चलाया कैसे जाएगा. अब तक जो हमने टैक्स कलेक्ट किया है मार्च तक, वो 1260 बिलियन है. हमारे जो टारगेट है इस साल का वह 1950 के करीब का. ऐसा लग रहा है कि शायद हम 1600-1700 बिलियन तक ही शायद जमा कर पाएंगे. हमें यह बात पहले से पता है कि हमारा डेट इतना ज़्यादा हो चुका है कि 1000 बिलियन जो है सिर्फ हमें जो है ना टैक्स या अपने कर्जे उतारने के लिए और इंटरेस्ट पे देना पड़ता है. अगर 1900 भी हम जमा कर लें उसमें से 1000 यहीं निकल गया. 600-700 बिलियन का जो हमारा इस वक्त खर्चा है मिलिट्री पे है, जिसमें से कुछ रीइंबर्समेंट आती रहती थी पिछले दिनों में, वो अब नहीं आ रही है नवंबर के बाद से, जब से हमने कन्फ्रंटेशन ली है यूएस से आफ्टर दी इंसिडेंट इन महमद. बाहर से इनफ्लोज रुक गए हैं, खर्चे हमारे अपनी जगह पे हैं, टैक्स हम इतना कलेक्ट नहीं कर पा रहे. ये मुल्क कैसे चलेगा? टैक्स टू जीडीपी रेशियो इतना कम है, बहुत कम लोग टैक्स नेट में हैं, सिर्फ कहते हैं कि 2 मिलियन लोग टैक्स में हैं. ये क्या सिचुएशन है? क्या ऐसा ही पूरी दुनिया में होता है? इस सिलसिले में बात करते हैं अशफाक तोला साहब से. अशफाक साहब, एक अजीब मुल्क है हमारा, यहाँ सिर्फ 2 मिलियन लोग टैक्स देते हैं, टैक्स नेट में कोई है नहीं, इतना कम टैक्स कलेक्शन है, बड़े बड़े एरियाज़ को हमने एग्जम्पशन दी हुई है, एग्रीकल्चर वाले कोई टैक्स ही नहीं देता, तो ये मुल्क हम चलाएं कैसे? आप बताइए. आजकल गैरत पे भी बड़ा ज़ोर है, हमारी आर्मी को भी गैरत आ गई, हमारे पॉलिटिशियंस बड़े गैरतमंद हो गए. हम कहते हैं अमेरिका का एड नहीं चाहिए, जबकि पूरा मुल्क हमेशा से अमेरिका के एड पे चलता रहा है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तारिक साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इन्वाइट किया. देखिए, जहाँ तक आपने एक सवाल में बहुत सारे सवाल उठा लिए और वक्तन एक एक करके आप चलिए हम इसको लेके चलते हैं. पहले तो हम ये देखते हैं 1952 का टारगेट क्या अचीव होगा कि नहीं. अब मेरा ख्याल है द वे जिस तरीके से एफबीआर मूव कर रही है और 27% की इंक्रीज हमने इसमें इन्वेस्ट की है और 25% का हमारा टारगेटेड इंक्रीज था, यानी 1558 अरब को अगर आप 1952 अरब से अगर आप देखें मिना करके तो 25% की आपकी एक ग्रोथ हमने टारगेट की थी और इस वक्त तक जहाँ तक मैंने देखा है वो 27% के करीब वो अचीव कर रहे थे, यानी कॉरिस्पॉन्डिंग पीरियड लास्ट ईयर जो उन्होंने कलेक्ट किया था. अब सवाल ये पैदा होता है कि बैलेंस 3 महीनों में क्या यही परफॉर्मेंस रहेगी और क्या ये 27% जो है वो उसी एवरेज स्पीड से लेके चलेंगे या आपको 26% के करीब का इनका फिगर रह गया है. मगर फिगर इटसेल्फ अगर आप देखें तो कोई अराउंड 700 बिलियन के करीब आपने अभी कलेक्ट करना है. 1200 और 1900 का अगर आप देखें तो मैं ये समझता हूँ बड़ा एम्बिशियस टारगेट है और इसमें कुछ हेल्प हमारे इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स की भी हुई है. अच्छा, तो उस वजह से भी और इसमें कुछ जाहिर बात है नेगेटिव भी आई है. कराची के राइड्स नेगेटिव हुए क्योंकि लास्ट रमजान से अगर आप उठा के देख लें तो काफी दिन लास्ट रमजान में भी हमारी कराची का यही हाल रहा था. मुल्क में लोड शेडिंग की वजह से और भी काफ़ी इंडस्ट्रीज़ आपकी जबू हाल है. अगर आप देखें तो एक्सपोर्ट्स आपकी थोड़ी सी काफ़ी कम हो रही है, बल्कि थोड़ी सी तो मैं नहीं कहूँगा, काफ़ी कम हो रही है. और दूसरी बड़ी बात ये है कि इंटरनेशनल प्राइजेस जो कॉटन के हैं वो भी काफ़ी गिर गए हैं. तो जो कॉटन की वैल्यू एडिशन है वो भी आपको वो पे नहीं कर पाएगी. तो ओवरऑल सिचुएशन में अगर हम देखते हैं और अगर ये 1952 का टारगेट अचीव हो जाता है या मैं अगर कहता हूँ 1905-10 अरब तक भी आप लेके आते हैं तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा क्रेडिट होगा हमारे एफबीआर को, हमारे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस को, इन सबको एक बहुत बड़ा क्रेडिट होना चाहिए कि समहाउ इन्होंने ये अचीव किया. दूसरी बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जहाँ तक हैं एफबीआर के वो काफ़ी हद तक, अब ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह सकता कि पूरे तरीके से लिए जा रहे हैं मगर काफ़ी चीज़ों पे जोर दिया जा रहा है. लाइक इनपुट एडजस्टमेंट, जो इलीगल इनपुट एडजस्टमेंट थे उसके काफ़ी हद तक रिकवरीज के लिए आज आप देख रहे होंगे केसेस फाइल किए हुए बिहार ने
और आज मेरा ख्याल है कोई सिंध हाई कोर्ट में हियरिंग भी थी इस सिलसिले में, आई डोंट नो आज हुई है कि नहीं, तो इस किस्म के काफ़ी मेजर्स भी लिए जा रहे हैं। अच्छा, जहाँ तक आप टैक्स टू जीडीपी की बात कर रहे हैं, तो टैक्स टू जीडीपी देखिए एक 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 बड़ा बड़ा एक सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मैं नहीं देख सकता उसको, सब्जेक्टिव है, बिकॉज किसके अंदर बीइंग एन इकोनॉमिस्ट आप तो ये ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पर हमारे हाथ में नहीं होता। अगर पाकिस्तान के टैक्स टू जीडीपी की अगर आप मुझे बात करेंगे, और अगर एग्रीकल्चर की जीडीपी को मैं मिन्हा कर देता हूँ अपने टोटल जीडीपी से, 18 बिलियन से, तो मेरा टैक्स टू जीडीपी रेशियो 11.5 के करीब मेरा ख्याल बन रहा है। अच्छा, अब टैक्स टू जीडीपी के लिए जो जहाँ तक मेरी कैलकुलेशन कहती है, ये पीडीएल को, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को शामिल नहीं करते, उनको शामिल करना चाहिए, बिकॉज कि ये एक इनडायरेक्ट लेवी तो है। 220 बिलियन आपके एक्सपेंडिचर में जाता है हर साल जी, बजट को सपोर्ट करता है जी। ये अगर आप देखेंगे ना, तो ये अगर ओवरऑल देखेंगे तो हम इतने बुरे नहीं हैं। और मुझे ये आज तक समझ नहीं पड़ेगी, हमारे यहाँ जो मेरे जैसे एक्सपर्ट्स काफ़ी मार्केट में रोम कर रहे होते हैं, उनको 16% इंडिया की बता रहा होता है टैक्स, वर्ल्ड बैंक की फिगर्स बताती है 9 point something है वो भी। अच्छा, अब आप आ जाइए रिलेटिवली, अगर हम जो कहते हैं ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस, अब ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस इज अगेन अ रिलेटिव टर्म। आप 28 लाख आपके मेरे नॉलेज में है कि एनटीएन आपके इशू किए हुए 28 लाख है, 28 लाख एनटीएन में से अगर सपोज 20-1 लाख के करीब आपके रिटर्न फाइल कर रहे हैं, बाकी डुप्लीकेट भी हो सकते हैं, डमी भी हो सकते हैं, यूं तो 32 लाख के करीब की फिगर आ रही होती है। वो अगर आप एक तारीख देखेंगे ना, तो एक टोटल पॉपुलेशन का अराउंड 1.5% हमारी जो नेशन है जो टैक्स पेयर या टैक्स नेट के जुमरे में आ रही है। इंसिडेंटली मेरा ख्याल है विदाउट एनालाइजिंग एनीथिंग हम एक कमेंट्री बड़ी जबरदस्त कर सकते हैं, और कुछ तो बसें चला देते हैं कि जी 1.5% धक्का दे रहे हैं और बाकी पूरी कौम अंदर बैठी हुई है, विच इज एब्सोल्यूट, आई मीन इट इज करेक्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि 1.5-2% नहीं चला रहे, बिल्कुल सही है, मगर दुनिया की भी तो आप मिसाल ले लें ना। फिर आप आ जाइए मिसाल इंडिया की ले लीजिए, इंडिया की मिसाल अगर मैं लेता हूँ तो वहाँ पर भी 2 point मेरा ख्याल है कोई 2.5% है, मगर ये माइंड में रखिएगा, इसको जहन में रखें इसके, कि वहाँ पर एग्रीकल्चर भी टैक्स हो रहा है। श्रीलंका जिसका बड़ा ढोल पीटा जाता है हमारी मईशत के अंदर, वहाँ भी 1.5-2% है, वहाँ भी एग्रीकल्चर आपके टैक्स में। बांग्लादेश के तो सिर्फ 0.8% पॉपुलेशन टैक्स दे रही है, वहाँ भी एग्रीकल्चर भी इवन नेट में। तो अच्छा, यूएस की 46% टैक्स रजिस्टर्ड होल्डर है, वहाँ क्या है कि हर जिसके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर है वो टैक्स पेयर है, वो कम से कम रिटर्न फाइल करता है, चाहे जीरो रिटर्न फाइल करता है। जीरो क्या, बल्कि वो तो रिफंड लेते हैं जी, ठीक है, कनाडा में भी ज्यादातर लोग रिफंड ले रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप आ जाएं, अगर हम थोड़ा सा इसको और मजीद इसको एलोबरेट करें, तो टैक्स पेयर की जो क्लास होती है ना, वो एक एज ब्रैकेट है, इट इज नॉट लाइक एक बच्चा पैदा हुआ है वो भी टैक्स पेयर है, और एक 80 साल का बुजुर्ग है मेरा वो भी टैक्स पेयर है, एक एज होती है। अगर स्टैंडर्ड एज ले लें हम इसको, तो वो आप ले लीजिए 20 years to 60 years, या 64 या 65 या 70 years। अब अगर उस तनासुब से अगर हम देखते हैं, तो हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें उस एज ब्रैकेट के जो लोग हैं वो टोटल 29% है, इंडिया में 34% है, यूएस और श्रीलंका में 33% और बांग्लादेश में आइडेंटिकली हमारे हिसाब से 29% है। अब उस ब्रैकेट के अंदर से अगर मैं देखता हूं, तो मेरा टैक्स, मेरे जो टैक्स पेयर की जो रेशियो टू पॉपुलेशन है, दैट इज अराउंड 6% व्हिच इज सिग्निफिकेंट। ये चीजों को हम मरूज खातर नहीं लाते, और हम सिर्फ बात ये कर रहे होते हैं कि जी कि हमारा मुल्क बहुत बुरा है। नहीं, मैं नहीं समझता कि हमारा मुल्क बुरा है। हाँ, ये जरूर हम कह सकते हैं कि हमें पॉलिसी के काफी चीजों को अपने आप को दुरुस्त करना है, मगर ये जरूरी बात है अगर हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें और वायबल सोल्यूशन के साथ करें, तो अभी मैं समझता हूँ मैं अपना हक अदा कर रहा हूँ। मैं सिर्फ बराए नाम क्रिटिसिज्म करूं, झूठे फिगर्स के बेस पे क्रिटिसिज्म करूं, और फिर मैं कहूं कि ये मुल्क अच्छा नहीं है, मुल्क बहुत अच्छा है, ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे लिया गया है, बहुत अच्छा मुल्क है, हम खराब हैं।
हमें अपने अंदर झांकना चाहिए कि हमने अपने मुल्क को क्या दिए। अच्छा, इस पे अगर आप मुझे इजाज़त दें दो मिनट के लिए, मैंने इकोनॉमिक हिस्ट्री बड़ी डिटेल में पढ़ी है, मैंने ये देखा कि मुगल दौर से पहले चार पांच किस्म के टैक्स हुआ करते थे। मोहम्मद तुगलक का बहुत बड़ा नाम आता है, बिल्कुल, जिसने टैक्स को डबल करने की कोशिश की, उसकी हुकूमत में रिबेलियन हो गया, बिल्कुल ठीक है। पांच टैक्सेस थे, घरी यानी घर का टैक्स अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द हाउस व्हिच यू कुड नॉट हाइड, प्रॉपर्टी, चराई यानी जितने जानवर आपके पास हैं वो चर रहे, अभियाना यानी कि पानी का टैक्स, और बाकी होता था खराज यानी जो आपने ज़मीन जितनी ली हुई है हुकूमत से उसका आपका टैक्स, वो ठीक ठाक होता था। अगर पाँच छः टैक्स जो थे उनका अगर आप रेशो देखें तो सबसे बड़ा जो पोर्शन था वो आता था लैंड से खराज। मुगल दौर आया तकरीबन वही सिस्टम चलता रहा, शेरशाह सूरी ने बड़ी इसमें इम्प्रूवमेंट्स की कलेक्शन में, और उसने कहा कि जो भी आपका सरप्लस है एग्रीकल्चर का इनकम का 80% आप स्टेट को देंगे, ठीक है। वो दो फॉर्म में दिया जाता था, या कुछ तो अनाज की सूरत में, बाकी फौज की सूरत में, जब जंग होती थी तो फौज को आपको कंट्रीब्यूट करना था। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने कहा जी मुगल दौर के सिस्टम को ही हम कंटिन्यू करते हैं, एक्सेप्ट कि उसको मोनेटराइज कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें आपके चावल गेहूँ नहीं चाहिए, हमें पैसा दे दें फिक्स। वो एक कमिश्नर जो होता था वो डिटरमाइन करता था कि आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी है और आपको इतना उसमें से देना है। सही बात। उस पर जो ले रहा होता था 30 साल के लीज पे, वो कहता था साहब इतनी आमदनी नहीं है इसमें। बड़ी बहस होती थी, आखिर में वो टैक्स कलेक्टर के ऊपर ही होता था कि लेना है लो, नहीं तो जाओ किसी और को दे देंगे ये ज़मीन हम। ठीक ठाक होता था, यहाँ तक होता था कि लोग भाग जाते थे ज़मीन छोड़ के। ये चार पाँच टैक्स जो थे वो इतने होते थे कि हुकूमत बड़े आराम से चलती थी। आपने जो बात की कि ये प्रॉब्लम इंडिया का है, तो उसकी हिस्ट्री ये है कि 1757 में जब बैटल ऑफ प्लासी के बाद अंग्रेज़ों का जोर हुआ, तो 1757 में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे बंगाल बिहार के, अहमद रजा खान साहब, उनकी जो टोटल टैक्स कलेक्शन थी वो 6 गुना हो गई विद इन 7-8 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल। फर्स्ट 6 ईयर्स में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल बिहार से 3.6 मिलियन पाउंड कमाया। उस कंपनी का कैपिटल था 70,000 पाउंड। आप सोचिए उसके रिटर्न्स। इसी तरह हम देखते हैं कि जब 1800 में आते हैं, 1830 वाला का अगर आप बजट उठा के देखें, 60 मिलियन पाउंड की आमदनी, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग पेमेंट टू बहादुर शाह जफर जितने थे नवाबों को पेमेंट करने के बाद भी 50% बच जाता था उनका सिविलियन मिलिट्री एक्सपेंडिचर देने के बाद। सरप्लस 26 मिलियन वो भेज देते थे होम चार्जेस के नाम पे, 10 मिलियन जो उनके एक्सपैट्रिएट आए हुए थे वो भेजते थे इन द फॉर्म ऑफ रेमिटेंस, 36 मिलियन शिफ्ट होता था हर साल। अगर थ्रू आउट ब्रिटिश पीरियड 190 साल का देखें, कुछ साल डेफिसिट्स के हैं, बाकी मैक्सिमम साल जो है सरप्लस के हैं। तो सवाल ये उठता है कि अहमद रजा खान साहब जो कि बड़े नमाजी परहेजगार दाढ़ी वाले थे, उनके यहाँ टैक्स इतना कलेक्ट कम क्यों होता था, और अंग्रेज के आते क्या हुआ? अंग्रेज के बारे में जानते हैं, शराबी, कबाबी, नाचने वाला, गाने वाला, क्या हुआ, कौन सा निज़ाम अंग्रेज लाए कि इतनी ज़्यादा इसी मुल्क से कमाना शुरू कर दिया, और जैसे ही वो गए फिर से वही स्टेटस को आ गई, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अब सबका आपने इंडिया का जिक्र किया, टैक्स कलेक्शन नीचे, स्विस बैंक के अकाउंट भरना शुरू हो गए। बिगेस्ट डिपॉजिटर ऑफ स्विस बैंक आर इंडियंस, फॉलोड बाई पाकिस्तानीज, बांग्लादेशीज। तो एक आम आदमी मेरे जैसे ही सोचता है कि क्या ये जो टैक्स इविजन होता है उसकी वजह से इतना पैसा कमाया जा रहा है कि जो स्टेट को मिलना चाहिए था वो इंडिविजुअल्स को मिल रहा है और वो पैसा जाके कहीं छुपाया जा रहा है। देखिए, आपने तीन सवाल बड़े अंडरलाइन करके दिए हुए मुझे, और तीनों के जवाब आपके सवालों में शामिल है। पहला सवाल आपने मुझे किया कि सारे एक्सपेंसेस वो सूफी साहब जो थे खान साहब उनके दौर में से ज्यादा हो गया, गुना टैक्स कलेक्शन बढ़ गया। अच्छा, वो थे बादशाह, यानी बादशाह का मतलब हाकिम, ठीक है, और हुकूमत कौन चला रहे थे? कमिश्नर चला रहे थे। तो ब्यूरोक्रेसी बादशाह हुकूमत नहीं चला रहा था, हुकूमत चला के हुकूमत उनको पैसा दे देती थी कि तुम बादशाह साइड पे बैठ जाओ, ठीक है। तो एक इशू ये था कि उस वक्त की ब्यूरोक्रेसी थी उसको नीड्स के हिसाब से तनख्वाह मिलती थी, वो स्टेट के सर्वेंट होते थे और एज ए सर्वेंट वो काम करते थे।
आजकल मैं हर किसी को तो नहीं कह सकता, मेजॉरिटी हमारे यहाँ बेमान हो चुकी है, तो है फैक्ट है, वाई शुड बी हाइड इट। दूसरा आपने कहा, देखिए अब जब पब्लिक राज होता है ना तो मुझे आपसे वोट लेने के लिए आना है, और ये दुनिया का राज है ना, ये मैं इसको कोई इस हुकूमत तर्ज हुकूमत को मैं कोई आपको वो नहीं कर रहा चैलेंज के जी गलत है, बिल्कुल ठीक है, मगर क्या होता है 5 साल बाद अगर मुझे पता आपने आपका अगर मैंने खुश नहीं रखा तो आप बोलोगे यार छोड़ो आप कौन, ठीक है ना, और ये हकीकत बात है, आप क्यों करोगे मेरी बात, तो इसलिए मुझे आपको कंसेशन देना है। कंसेशन किस वक्त देना चाहिए, मैं आपके हालात को देखूं, मैं कहूं नहीं यार जेन्युइन मांग रहे हैं तारिक साहब तो मैं उनको दे दूं कंसेशन, मगर मैं कंसेशन इसलिए नहीं दे रहा कि आपकी जेन्युइन नीड है, मैं कंसेशन इसलिए दे रहा हूं कि आप मुझसे खुश रहें, अल्लाह को खुश नहीं करना आपको खुश कर देना। तीसरा स्विस बैंकों की आपने बात की, स्विस बैंकों के हवाले से थोड़ी सी जो हमारी स्टडी कहती है, स्विस बैंकों में सबसे ज्यादा डोंट टू ओपिनियन $3 trillion का आपका ये पूरा मार्केट साइज है, इसमें से 1.5 ट्रिलियन इंडियंस हैं, 700 बिलियन यूरोपियंस हैं, ये जिस इकॉनमी की आप बात कर रहे हैं ना कि बड़े ईमानदार है, ये भी है, अभी अमेरिका ने उस पर हाथ डाला है, नहीं अमेरिका का मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ, रिया का अगर आप पूछोगे तो मेरा ये फेवरेट सब्जेक्ट है। पाकिस्तान जो एक एस्टिमेट है, बस इसमें अभी कोई मैं आपको कॉन्फर्मेशन फिगर नहीं देता, $250 billion है। ये रिटर्न ऑफ इलिसिट एक्ट जब ये आपका आया 2010 में स्विस पार्लियामेंट में, तो सबसे पहला उन्होंने एग्रीमेंट किया यूके गवर्नमेंट से, यूके गवर्नमेंट को उन्होंने कहा कि जी कि जो भी आपके एवरेज डिपॉजिटर है हमारे पास जो इलिसिट मनी है अनआइडेंटिफाइड, वो उसका हम आपको अकॉर्डिंग टू द एज, यानी कि उसकी उम्र 10 साल पुरानी है कि 1 साल पुरानी है, 34 से 17% ऑफ उसका कैपिटल अमाउंट हम आपको वापस कर देंगे मगर आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, तो एवरेज बना 25%। यूएस ने इनको कहा कि नहीं हमें 50,000 इवेडर्स हैं जो हमारे यहां से पैसे लेके भाग गए उनकी आइडेंटिटी दो। एक बैंक ने, नाम में लेना नहीं चाह रहा, $600 million दिए 1 साल में यूएस को कि अभी आइडेंटिटी ना मांगो चुप रहने के लिए, और अब इनके पार्लियामेंट में दोबारा से वो एक्ट पास हो चुका है, सो इसमें क्या आप आइडेंटिटी भी दे दो टैक्स इवेडर्स। अशफाक साहब यहाँ पे ऐसा लेते हैं ब्रेक, नाज़रीन हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक, हम बात करें टैक्स इवेजन इन पाकिस्तान पे, और हम हमारे साथ मौजूद है अशफाक तोला साहब, ए लीडिंग टैक्स एक्सपर्ट। अशफाक साहब ने बड़ी तफसील से बताया कि जो फिगर्स हम लोग कोट करते हैं, जो मैंने शुरू के इंट्रोडक्शन में कोट किए, वही पॉपुलरली सबको पता है, लेकिन अगर उसको आप फाइनल डिटेल पे जाके देखें एज एन एक्सपर्ट, तो पता चलता है कि वो फिगर्स कुछ एग्जिग्रेटेड हैं। पाकिस्तान के जो टैक्स कलेक्शन वगैरह के फिगर्स हैं वो इतने बुरे नहीं हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि जो 9% हम टैक्स टू जीडीपी के रेशियो की हम बात करते हैं, उसमें तकरीबन जो 220 बिलियन रुपीस जो हम पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का लेते हैं उसको ऐड नहीं करते, 90 बिलियन, अब 90 जी 90 अच्छा जो भी है, इसी तरह और चीज़ें भी हैं जो मिसिंग है उसमें, तो वो उनका कहना है कि इतने बुरे हालात नहीं है। मेरी गुजारिश ये थी कि अगर आप इकोनॉमिक हिस्ट्रीज आप पढ़ें तो ये इलाका हमेशा से सरप्लस रहा है, अंग्रेज यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में पैसे कमा के गए, अंग्रेज की कंपनी आई थी यहाँ हुकूमत करने के लिए, उसको टैक्स उसको अपने डायरेक्टर्स को रिटर्न देना होता था और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिए, और उनके आने के बाद यहाँ की टैक्स कलेक्शन बहुत बढ़ी, इतनी बढ़ी कि जिसका आप मैंने थोड़ा सा यहाँ रेफरेंस दिया 6-6 times बढ़ गई, और इसी वजह से उन्होंने सरप्लस कमाया, इसीलिए वहाँ रहे, अगर ऐसा ना होता तो बहुत पहले यहाँ से जा चुके होते। तो ये क्या हुआ कि जैसे ही वो गए फिर से वो हमारा जो है ना टैक्स कलेक्शन रेशियो इतना नीचे आ गया, इसका ताल्लुक करप्शन से है, और ये जो स्विट्जरलैंड में इतनी बड़ी रकम जमा हुई है ये क्या उसी टैक्स इवेजन का नतीजा है? उस पर अशफाक साहब डिटेल में भी बता रहे हैं हमें कि स्विट्जरलैंड में जो एक्चुअल सिचुएशन है क्या है। उन्होंने कहा कि $3 trillion वहाँ जमा है, उसमें से आपने बताया कि 50% इंडियन है, 700 बिलियन यूरोपियन है, पाकिस्तान का फिगर आ रहा है 250 है। अब उस 250 बिलियन इट इज अनकन्फर्म, जूलियन असांज कहता है
कि जी के मैं डिटेल लिस्ट दूंगा। अच्छा, एक एस्टिमेट आया है 500 बिलियन का, जो कि मोहम्मद अली दुरानी साहब फॉर्मर सेनेटर और इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ने, उन्होंने पिटीशन फाइल की थी, बट उसका फेट अभी मुझे पता नहीं चला, मेरा ख्याल है वो वापस हो गई है। अब वो 250 बिलियन अगर यूके गवर्नमेंट की तरह हमारी गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेके, लेती है नहीं लेती वो बात की बात है, अगर लेके शुरू करे तो उसका अगर 25% हमें मिलता है जो यूके गवर्नमेंट ने इनसे किया। आपने बताया था कि उन्होंने जैसे ही वो प्रेशर जैसे उनको 25% वैसे ही दे दिया उठाकर उन्होंने। हाँ, इनका एग्रीमेंट साइन हो गया, प्रोटोकॉल साइन हो गया। क्या आप मजीद नहीं पूछो, ये 25% ले, ये तो आप ले लें अभी। अच्छा, बाद में हम बिल्कुल देते रहेंगे। अब तो आप अमेरिका का भी देखिए, मौत के फरिश्ते को घर का दरवाजा दिखा दिया ना। अच्छा, तो अमेरिका अभी, अमेरिका के अंदर जो स्विस पार्लियामेंट में एक आइडेंटिटी के ऊपर एक झगड़ा चल रहा था कि डिस्क्लोज करनी है कि नहीं, उन्होंने, इनकी पार्लियामेंट ने पिछले महीने वो पास कर दिया, और अब अमेरिका को आइडेंटिटी भी देंगे कौन तुम्हारे टैक्स एवेडर था। सेम लॉ हमारी भी, इनकी डबल टैक्सेशन ट्रीटी है, उसकी कुछ क्लॉजेज हैं, उसको अगर हम मॉडिफाई करवाते तो हम भी इसमें आ सकते हैं। और अगर हमें 25% वो दे दे, हमें आइडेंटिटी नहीं चाहिए सपोज करें, तो मैं आपको तारिक ये बता सकता हूँ कि आपका जो कर्जा है वो 61 बिलियन यूएस डॉलर है, और ये आपको मिलने 62.5 बिलियन यूएस डॉलर। वाई पाओ, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर ये पैसा पाकिस्तान में आता है, अगर आप पूरा पाकिस्तान की जीडीपी का अगर आप देखें तो 18,000 बिलियन की आपकी जीडीपी है, 18,000 बिलियन की आपकी मार्केट वैल्यू जीडीपी है, जो कि जिसको जो बेंचमार्क होती है। अच्छा। और अगर आप 250 बिलियन डॉलर को मल्टीप्लाई कर दें 90 रुपए से, तो ये बनता है 22,500 बिलियन, यानी आपकी जितनी जीडीपी है उससे ज्यादा पैसा वो एक जगह पड़ा हुआ है। यहाँ की पैरेलल इकोनॉमी की मैं बात नहीं कर रहा, उसको अगर आप इन्वेस्ट कर दें सिर्फ अपनी कंट्री में, तो मैं नहीं समझता कि कोई बेरोजगार होगा, ना आपको टैक्स कलेक्शन की प्रॉब्लम आएगी, ना आपको कैरी लूगर चाहिए, ना आपको किसी की खुशनुदी चाहिए, अल्लाह की खुशनुदी चाहिए और अपने ही पैसे से गैरत से हम जी सकते हैं। फिर ये गैरत की जो बातें हम कर रहे हैं आजकल, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी गैरत उस मामले में आ जाए, इसलिए कहीं और गैरत ना दिखा दे, यहीं पर दिखा देना तो पूरी कौम गैरतमंद इंशाल्लाह। समझता हूँ ये जो आपने पॉइंट आउट किया, बल्कि इतना अच्छा आपने पेपर भी मुझे दिखाया है जो कि आपने ऑलरेडी सबमिट किया हुआ है अपने ही नाम से, अगर इसी को मेन एजेंडा अभी बना लिया जाए तो बहुत सारे हमारे मसले ख़त्म हो सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल हो सकते। इसका मतलब ये हुआ ना अशफाक साहब कि इस धरती में, इस मट्टी में गुंजाइश बहुत है। अंग्रेज़ क्यों आके चिपका रहा है 190 साल यहाँ पे, क्यों नहीं जाके अफ्रीका के किसी मुल्क में चिपका इतने लंबे, या किसी सहरा में क्यों नहीं गया? यहाँ माल है, रहेगा, मिनरल आपके पास, ऑयल रिजर्व है, यू नेम इट, यू हैव इट। ये हिमालय का पहाड़, वहां से पानी साल भर आता रहता है, कौन सी ऐसी जगह दुनिया में है? पूरा यूरोप चले जाइए, सबसे ऊंचा पहाड़ जो है माउंट ब्लैंक है, 6,000 फुट, 6,000 फुट के तुम्हारे पास 1,000 चोटियां है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप जब बात करेंगे ना इकोनॉमी के ऊपर, तो ऑल दो मेरा इतना बड़ा सब्जेक्ट मैटर ये नहीं रहा, इकोनॉमी की ग्रोथ जो होती है ना वो कब होती है आपकी, जब आप अपनी कोर एसेट्स को यूटिलाइज करें, यानी जो आपकी आपकी जो अहम असासे हैं जिस पे आपको नाज है। मुझे किस चीज़ पे नाज है? मेरी लैंड पे, मेरी ज़मीन पे, मेरी एग्रीकल्चर लैंड पे जो बड़ी फर्टाइल है। मुझे दूसरा नाज है मेरी पॉपुलेशन पे जो कि अनस्किल्ड है, जवान है, अनस्किल्ड है, अनस्किल्ड जवान। अब इन दोनों की यूटिलाइजेशन अगर कोई निकाल ले तारिक, तो मैं समझता हूँ आपको तो कोई, ये जो आपकी जीडीपी है ये जो लिंगर कर रही है 4% के लिए आपके लाले पड़े हुए, वो 14% पे भी ना रुके। सेकंड चाइना, व्हाई नॉट। अच्छा, एक अशफाक साहब आपसे बात मैं पूछना चाहता हूँ, आप इतनी डेप्थ में जानते हैं, अगर आप अंग्रेज़ों के, जैसे कि मैंने खास तौर से इसीलिए थोड़ा सा मेंशन किया था हिस्ट्री कि किस तरह के टैक्सेस हुआ करते थे उस ज़माने में, तो ना सेल्स टैक्स था, ना इनकम टैक्स था, ना और ये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी वगैरह, कुछ एडम स्मिथ ले आया, ये सब तो एडम स्मिथ लाया। तो ये बताइए कि एग्रीकल्चर यानी ज़मीन के ऊपर जो खराज होता था, अंग्रेज़ की आमदनी मेन क्या थी? 80% खराज थी, बेसिकली रेंट, रेंट ऑफ द लैंड। आप एक लैंड है, अल्लाह की ज़मीन है, कौम की ज़मीन है, आपको दिया गया चलाने की, आपको 100 एकड़ आपको दे दिया 50, उस पर आप एक रिटर्न देंगे कौम को। मुगल दौर में आप फौज भी देते थे और अनाज भी देते थे, और जो नहीं देता था उसको उल्टा लटका के खाल उतार दिया जाता था उसका, इतनी सख्ती थी उस ज़माने में भी।
जब पाकिस्तान बना कहते ये है कि एक एग्रीमेंट हुआ बिकॉज इट वाज वी वर इन अ वेरी वीक सिचुएशन, यूनियनिस्ट गवर्नमेंट थी पंजाब में जो चाहती थी कि अंग्रेज़ यहाँ से जाए ही नहीं, पाकिस्तान ना बने ना इंडिया आज़ाद हो। फ्रंटियर में हमारी ये पोजीशन थी कि कांग्रेस के लोग थे वो कहते थे हमें पाकिस्तान चाहिए नहीं, उस पर बहुत सारे हमें कॉम्प्रोमाइज़ किए। वन ऑफ द कॉम्प्रोमाइज़ कहते हैं कि ये हुआ लैंडलॉर्ड के साथ कि जी जो यूनियनिस्ट गवर्नमेंट में वही थे कि जी आप पे ना कोई लैंड रिफॉर्म होगा यहाँ जैसा कि कांग्रेस करना चाह रही है इंडिया में, ना जागीरें छीनी जाएंगी, ना आप पे कोई टैक्स लगेगा। और इस प्रोसेस में हमने जो बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम, अगर आप 1940 के बजट देख लीजिए, 46 का बजट देख लें यूनाइटेड इंडिया का, आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर खराज से जो है ना मेजर इनकम आता था, वो इस इनकम को हमने और सॉर्ट ऑफ फॉरगो कर दिया। इसीलिए इतना प्रेशर आ गया जो थोड़े से इंडस्ट्रीज या सर्विसेज या सैलरी क्लास पे। डू यू एग्री विद दैट? देखिए पहले तो सबसे पहले इसके रूट कॉज पे जाइए कि जब अंग्रेज था जमीन अपने कब्जे में रखी थी, हाँ, और फिर सरों के टाइटल के साथ रिश्वत के तौर पे गद्दारी की रिश्वत में उन्होंने जमीनें हमारे लैंडलॉर्ड्स को दे दी मोस्टली। जी मोस्ट पहले ये जमीन जब वो थे तो वो कहते थे अल्लाह की जमीन हम आपको देते हैं, आप इतना पैसा दो, पैसा दो, और इतना लेते थे कि लोग जमीन छोड़ के भाग जाते थे। तो अब अशफाक तोला साहब लीजिए ये जमीन, अशफाक ने भाई मुझे नहीं चाहिए इस रेट पे, ठीक है, बिकॉज़ आई कैन नॉट मेक दैट मच मनी, मैं वही कह रहा हूं मैं अपनी जमीन कहां से लाके दूंगा। अब क्या हुआ जब ये जाने लगे, इनको पता था कि हम तो जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला यार इनके लिए कोई एक ऐसा काम छोड़ के जाओ कि जिंदगी भर लड़ते रहे। फिर दूसरी बात देखें, अच्छा लड़ते भी रहे और हम पे डिपेंडेंट भी रहे। डिपेंडेंट आप जो बात कर रहे हैं ना इतनी खूबसूरत बात की, कल हम इज्जत से रह सकते हैं, हम मुसलमान हैं, अल्लाह के नाम पे जमीन बनाया, मुल्क बनाया, हम गैरत से रह सकते हैं, हमारे पास इतना है। अगर हम 47 से गैरत में रहना शुरू कर देते, ये जो हमें हमने इनकी गुलामी इतने सालों की वो नहीं करते ना, हम सियासत में रहना शुरू हो गए ना। गुलाम 47 से लेकर अब तक हम हमारी कोई फॉरेन पॉलिसी आज तक है नहीं है, जो अंग्रेज का ये गोरे कहते हैं हम फॉरेनर हैं, पॉलिसी नहीं बनाते, फॉरेनर हैं। तो अगर हम लोग इंडिपेंडेंट वाकई हो जाते, इंडिपेंडेंट सोच होती, इस्लाम के हिसाब से सोचते, अपने कौम के भला के हिसाब से, तो शायद हमारी पॉलिसी कम्प्लीटली डिफरेंट होती, शायद हम कन्फ्रंटेशन में होते इनके साथ। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा हमें एक डंडा मारा, हमारे ऐसी कमी कर दी हमारे आमदनी में, उनको पता है कि ये गैप कभी पूरा ही नहीं हो सकता। 1970 जिसकी आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, और वाकई इस बिग अचीवमेंट, मैं जब पाकिस्तान आया हूँ तो उस जमाने में 300-400 बिलियन की बात होती थी टैक्स कलेक्शन, और आज माशाल्लाह यहाँ पे हम पहुँचे हुए, बहुत बड़ी। लेकिन कभी भी ये गैप पूरा नहीं होगा, हमें वेस्ट से लेने, आज लड़ाई किस बात की है, इसमें हम कह रहे हैं वेस्ट से लें कि ना लें। तारिक ये 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 मैं अचीवमेंट नहीं कहता इसको। अच्छा क्यों अचीवमेंट नहीं कहता? इसकी पोटेंशियल है, और पोटेंशियल इससे 2500 अरब से ऊपर की है, आई कैन प्रूव इट। इशू ये हुआ है कि हमारे यहाँ पर वो एक सिमत में हम चले जाते हैं जी, ये सिमत अच्छी लग रही है, ये नहीं देखते आगे टनल है या ट्रक की लाइट जल रही है, सिर्फ हम देखते हैं अरे उधर कोने में लाइट आ रही है, ये सिमत अच्छी है, हम चले जाते हैं, अंधेरा है कोई बात नहीं आगे देख लेंगे। हमारे यहाँ कुछ पॉलिसी मेकर उन्होंने ये किया कि एक फिक्स टैक्स रिजीम शुरू कर दिया था, टर्नओवर टैक्स, तो इम्पोर्ट टैक्स है, ये टैक्स है, वो टैक्स, और उस वक्त इब्नुल वक्त बन के उन्होंने वो सारी अपनी कलेक्शन से ऊपर दिखा के बोला जी हेड्स ऑफ टू यू, वाह भाई वाह आपने क्या काम किया। उसकी वजह से डॉक्यूमेंटेशन हमारी मारी गई। हाँ ठीक है, अब ये कॉम्प्रोमाइज देखिए, जब आप कोई चीज एक चीज लेते हैं तो दूसरी चीज पे कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, और ये कोई नहीं कहता तो मेरा ख्याल कहीं ना कोई वो झूठ ही बोल रहा है। उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, जब हमने कॉम्प्रोमाइज करने के बाद हमें एहसास हो गया कि यार हमने गलत किया। अब वही मेरे जैसे एक्सपर्ट अभी भी बैठे हुए हैं बड़े बड़े फोरम्स पे, और वो ये बात कर रहे होते हैं और खुद लिख के देते हैं कि जी मैंने ये जुर्म किया। अरे भाई सदा भी भुगत लो, अभी भी वही पॉलिसी बनवा रहे होते हैं। और अभी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब तक कॉम्प्रीहेंसिवली हम बिल्कुल बिट्स एंड पीसेस में चीज़ों को जोड़ के कट एंड पेस्ट लगाते हैं, जब तक कॉम्प्रीहेंसिव 5 ईयर टैक्स रिफॉर्म प्रोग्राम, 5 ईयर्स टैक्स रिफॉर्म प्रोग्राम्स नहीं होंगे हमारे पास, हम कुछ नहीं कर सकेंगे। हम बैठते हैं नशिस्तन बर्खास्तन जो होता है ना, वही वाली बात होती है, नशिस्त बैठती है, बात करती है और बर्खास्त हो जाती है।
फिर उस पर कोई मेरा ख्याल सही से अमल हम नहीं कर पाते। ये मैं अपने ऊपर क्रिटिसाइज कर रहा हूँ जी जी, मैं किसी और पे क्रिटिसाइज नहीं। आप टीआरसी की मेंबर तो जाहिर है वो टीआरसी जी की बात नहीं हो रही, पहले भी टीआरसी जी की सिर्फ बात है, आरएसी में भी मैं था। ये नहीं है इशू, ये नहीं है इशू, ये है गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन। अब मुझे जी जी, अब हम क्या करते हैं जी, ये इशू आया, चलो भाई इसको इसकी डक शूटिंग कर दो, हमने डक शूटिंग कर दी, इसके कंसिक्वेंसेस हम नहीं सोचते। एट द एंड ऑफ द डे ये होता है कि वो फिर रिपल करके हमारे मुंह पे जब पड़ती है वो चीज, तो हम देखते हैं यार ये तो हमने गलत किया था, फिर हम रिग्रेट कर रहे होते हैं और फिर हम नई पॉलिसी की तरफ जाते हैं। तो वो हम अपना एक टाइम लूज कर चुके होते हैं तारिक, और वो मेरा ख्याल है हमारे लिए ये इररिपेरेबल लॉस होता है। हमारे यहाँ पॉलिसी मेकिंग जब तक कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होगी, मैं आपको एक हकीकतन बात बताता हूँ कि एफबीआर में, एक एफबीआर इज बेसिकली एक हमारी रेवेन्यू इंजन है, उस रेवेन्यू इंजन में स्ट्रेटेजिक जो सोच है ना, मैं समझता हूँ उसका बहुत अभी है, बहुत छोटे लेवल पे है, उसको बहुत बड़ा आपको एक थीम देना पड़ेगा और उसके अंदर आपको टोटली एक रिवैम करके ना, जो जो आपकी जो थिंक टैंक होनी चाहिए अबाउट टैक्सेशन, दो शुड कंप्राइज ऑफ इकोनॉमिस्ट ओनली, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बीइंग प्रैक्टिशनर्स एंड लॉयर्स बीइंग टैक्स लॉयर्स, और किसी को नहीं, और मेरिट, ऑन मेरिट होने चाहिए, ऑन मेरिट। मुझ जैसा अगर शख्स नहीं आता उसको खुदाफिज कह देना चाहिए, इसमें ले तो लॉल नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है कि जी के अंधा बाटे रेवड़ियां अपनों अपनों। अच्छा, वो इतने लोगों को बैठा देते हैं कि फिर जैसे आप जो तीन लोगों का नाम ले रहे हैं उनकी बातों की वैल्यू ही नहीं रहती उसमें, कमिटी में वोटिंग हो जाती है तो वो दूसरे लोग उसको कंप्रोमाइज कर देते हैं। नहीं, वो देखिए वो इन कैमरा की बात होती है, अब चलिए उसमें मैं हम नहीं पढ़ते, मगर मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक पॉलिसी पे तो इम्पेडिमेंट आ गया ना आपका, सोच जो होती है वो महदूद हो जाती है। अच्छा, आप इस बात को एग्री कर रहे हैं कि अगर हम पूरी अपनी हजार साल की हिस्ट्री भी देख लें, लगान या खराज ये जो भी कहा जाता था, दैट वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम एंड दैट बी लॉस्ट। आज तो ये हालत है, अगर आप अपने ये जो 1900 की भी बात कर रहे हैं इसमें आप ढूंढना शुरू करेंगे कि व्हाट इज कमिंग एज ए रेंट फ्रॉम लैंड, यू विल फाइंड नथिंग, नथिंग नहीं। आप इसमें देखें ना, मुझे एक बात बताएं, 18th अमेंडमेंट में आप ही किसी चैनल पे मैंने बैठ के कहा था कि 99 अमेंडमेंट्स की गई थी और आज तक दो चीजें अनडिस्प्यूटेड, जो डिस्प्यूटेड छोड़ दी थी वो ये थी, एक एग्रीकल्चर टैक्स, दूसरा टैक्स ऑन रियल एस्टेट। तो क्या 101 आप नहीं कर सकते थे? बिल्कुल, क्या सेंचुरी क्या मना हो गई? दूसरी बात ये थी कि मैं, मेरा अपना हम्बल ओपिनियन है, जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में मैं देखता हूँ कि एक चीज जब हम देख रहे होते हैं कि रियल एस्टेट पे जब मैं टैक्स लगाना चाहूँ, प्रॉपर्टी पे मैं टैक्स रेंटल पे आपकी लगा देता हूँ, दैट इज ऑल्सो अ रियल एस्टेट इनकम। तो सिमिलरली मैं इनको कहता हूँ जी आप एग्रीकल्चर लैंड पे भी तो लोग रेंट पे देते हैं, उनको आप टैक्स क्यों नहीं लगा रहे, तो कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं, चुप हो जाते हैं। अच्छा, इसी पे अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने वाला है, और दो टैक्स पे मैं बात करता हूँ आपसे। पूरे दुनिया में तकरीबन वेल्थ टैक्स का रिजीम लागू है, पाकिस्तान में भी था। मैंने यहाँ के एक्सपर्ट से सुना कि जी वो इतना कम जमा, 1 बिलियन जमा होता था इसलिए हमने उसको ख़त्म ही कर दिया। मेरा आर्गूमेंट ये था कि जो वही अंग्रेजी वाली की बात की कि अंग्रेज़ इतना करता था, उससे पहले अहमद रज़ा इतना करते थे और बाद में हमारे जब अभी के मिनिस्टर्स हैं चाहे इंडिया के हो या, बहुत कम कर रहे हैं, बाकी पैसा जा रहा है वहाँ पे। कोई भी टैक्स कलेक्टर, सबको पता ही बात, मैं भी बिजनेसमैन हूँ, कि टैक्स कलेक्टर आता है सीधे फार्मूला देता है कि जी 100 बन रहा है, आप 25 गवर्नमेंट को दे दे, 25 मुझे दे दे, 50 आप बचा लें। ये फार्मूला पूरे इस एरिया में कॉमन है। इतनी कसरे नफसी के 25 गवर्नमेंट को भी दे दे। बाज़ दफ़ा तो वो भी नहीं होता, लेकिन ये कि आमतौर से तो इसके इसके बड़े फाइनर पॉइंट्स हैं तारिक। ये अच्छा, थोड़ा सा वेल्थ टैक्स पे और इनहेरिटेंस टैक्स पे बोल दीजिए। स्टेट ड्यूटी भी हुआ करती थी, अंग्रेजों के सिस्टम में मौजूद था 21%, हमने उसको भी खत्म कर दिया। हमने हर चीज खत्म की है, ये स्टिग्मा है। मैं ये नहीं कहता उसको, मैं फेवर नहीं करता, क्यों खत्म किया गया, नहीं करना चाहिए था। मगर अब मैं आपको एक बात बताऊं, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, आई एम सॉरी, बिल्कुल होना चाहिए, फिर आपसे बात करेंगे इस पे। आप ये एग्री करते हैं कि ये दोनों लगना चाहिए? ये नहीं, मैं इस फॉर्म में नहीं लगना चाहिए। मैं कहता हूँ इससे बेहतर एक एमनेस्टी स्कीम आप ले आइए, और आप सब इस वक्त इखराज तो करवा लें और लोगों को रजिस्ट्रेशन में दे दें, नेट पर। वेरी गुड नाज़रीन, टैक्स इवेजन इन पाकिस्तान पे ये कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन आपने सुनी, बहुत ही रिवीलिंग चीजें अशफाक तोला साहब ने सेकेंड हाफ में हमें बताई है, खासतौर से स्विस बैंक के बारे में, इतनी बड़ी रकम पड़ी है कि अगर हम अभी जब ब्रिटेन की तरह हम भी डील कर लें, उसका 25% भी आ जाए तो हमारे तमाम कर्जे वर्जे सब उतर जाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें।
इन्होंने एग्री किया कि एग्रीकल्चर पे ना टैक्स लेना जो है बहुत बड़ा जुर्म हुआ इस मुल्क के साथ, यही वजह है कि हम इतने ज़्यादा डिपेंडेंट है वेस्ट पे, वेस्ट चाहता भी शायद यही था। इनहेरिटेंस टैक्स और वेल्थ टैक्स पर आखिर बात हुई, ख़त्म नहीं हो सकी, लेकिन इन थ्योरी वो एग्री करते हैं कि एमनेस्टी दे के सबको ले आए टैक्स नेट पर, मामला सही हो सकते हैं या गुंजाइश मौजूद है, बे इंतहा गुंजाइश मौजूद है, ये मुल्क सही हो सकता है, हम एक गैरतमंद कौम की तरह उभर सकते हैं अगर हमारी सोच सही हो जाए। इसी के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करना चाहूँगा। हमारे प्रोग्राम के बारे में फीडबैक आप ज़रूर दीजिए, हमारा एड्रेस है feedback@businessplustv.pk, आपके फीडबैक का हम इंतज़ार रहेगा, उसी के मुताबिक हम प्रोग्राम बनाएंगे। इसी के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ, खुदा हाफिज़।